अब तो गाड़ी चला घर में बुलेट घड़ी है, बुलेट को ला नहीं रहे डर के मारे। 3 महीने से बुलेट नहीं निकाली तेल के चक्कर से कि कहां पैदल हो जाए। हाँ सर बहुत अंतर आ गया, पहले हम 100 रुपए का 1.5 लीटर बढ़ाते थे, 100 रुपए 1 लीटर आता था। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम। ये इसका भाव क्या चल रहा है? 99.39 जो 100 कुछ दिख रहा था वो क्या है? वो एक्स्ट्रा प्रीमियम है। अच्छा ठीक है, भाव क्लियर हो गए भैया। समस्या भी आई है देश में युद्ध की जी, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी प्रभाव पड़ा है। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। हिंदी में कहावत है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कहावत यहाँ पर जो है सामने देखी जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर, आप पगडंडी देख रहे हैं। फिलहाल मैं हल्द्वानी पर मौजूद हूं, और हल्द्वानी की जो तेल की कीमत है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत पर। जहां चर्चा का विषय है तेलों के दाम का बढ़ना, तो वहीं विश्व पर विश्व युद्ध की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जोरों शोरों से क्यों कहूंगा, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी है रूस और यूक्रेन के बीच पर, जिसका प्रभाव हमारे देशों पर भी पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध से जहां पर कच्चे दाम का जो कीमत है वो बड़ी है, तो वहीं हम देख सकते हैं भारत पर इसका क्या असर पड़ा है। 101 के दाम का तेल हो गया, चुनाव खत्म हो गए और ये कर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी जो हमें मिल पा रही है उसके अनुसार पिछले 100 दिनों के आसपास से तेल के दाम न बढ़ने से जो है कंपनियों को घाटा हो रहा था, लेकिन देश पर चुनाव थे। चुनाव के टल जाने के बाद एकदम से तेल के भाव ने हाइक ली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चुनाव के कारण ही जो है तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध भी बताया जा रहा है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन हो क्या रहा है, फ़र्क पड़ रहा है आम जनता की जेब पर। जहाँ पर तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं अलग अलग मीम्स आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। एक महानुभाव कहते हैं कि भैया एक काम कीजिए, किलोमीटर के जो दायरे हैं उनको कम कर दीजिए, कम से कम गाड़ी जो है वो एवरेज तो अच्छा देगी। तो ये कहावतें यहाँ पर निकल कर आती हैं, लेकिन फ़िलहाल बहरहाल जो देखने को मिल रहा है, जो आम जनता के जेब पर जो लोड पड़ रहा है, वो यही कहता है कि बढ़ते हुए तेल के दाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकट ज़रूर पैदा कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, ये हल्द्वानी है, एक छोटा सा शहर है जहां मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर तेल के दामों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, चर्चाएं बनी हुई हैं। यहां पर तेल का जो अभी का मूल्य है वो है 103.88 यानी 103.88 प्रति लीटर के हिसाब से यहां पर पेट्रोल बिक रहा है, और जो डीजल है वो लगभग 100 को छूने वाला है, यानी कि 99 रुपये से ऊपर डीजल का भाव है। अब ये कहेंगे जी पेट्रोल किधर है? पेट्रोल इधर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है वाला। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वो प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल है, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम है। ये इसका भाव क्या चल रहा है? 99.39 जो 100 कुछ दिख रहा था वो क्या है? वो एक्स्ट्रा प्रीमियम है। अच्छा ठीक है, भाव क्लियर हो गए भैया कि 99.39 रुपये यहाँ पर पेट्रोल है, और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है जो कि गाड़ी के बेहतर चलने के लिए लगाया जाता है वो 103.88 है। डीजल के लिए भैया ने संकेत यहाँ किया, डीजल के जो दाम हैं वो अभी हैं 82, कितना चल रहा है भैया डीजल? 92.99 यानी कि IPL में किसी ना किसी का शतक लगे या ना लगे, लेकिन इस बार पेट्रोल का शतक लगना बिल्कुल तय है। लेकिन फिलहाल देखते हैं, कुछ परेशानियां तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या करें निवारण। नमस्कार अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया। पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अब करा क्या जाए। हाँ। इस समय सभी के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि यूक्रेन समस्या भी आई है देश में युद्ध। हाँ। की जी। तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सरकार इसमें नियंत्रण रखे, यही कहना चाहेंगे हम। हाँ, नियंत्रण रखे, और कोई कारण तो है नहीं, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि यूक्रेन संकट है, सारे विश्व में मंदी का दौर आ गया है। हाँ, इस समय। अच्छा। तो इसी वजह से सब्जी के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल वही कारण है कि जो है भारत में जो तेल जो है आयात निर्यात, जैसे पूरे देश में जैसे सऊदी अरब तेल जो है ज़्यादा आयात निर्यात करता है, और साथ ही साथ अमेरिका करता है, रूस करता है। रूस से तो ये मान के चलिए कि कम से करीबन 1% हमारे यूज़ का जितना आ पाता है, और अभी जब रूस ने भारत को कहा था कि तेल में हम खरीदारी को बढ़ाएं, लेकिन तो इसमें भारत ने भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। तो लेकिन
अभी क्या कर सकते हैं करने के? भैया तेल तो बहुत महंगा हो गया, कैसे चलेगा काम? क्या बताएं कैसे चले, चल जाएगा? कहाँ से चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा, दिक्कतें तो हैं। हाँ, हर दिन बढ़ रहा है एक एक रुपया, हमें तो रोज डेली तेल डालना पड़ता है, हम सेल्स में करते हैं मार्केटिंग का। अच्छा, सेल्स वाले को तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत घूमना पड़ता है। हाँ, तो अब तेल बढ़ेगा तो फिर आपके भी जेब पे असर पड़ेगा उसका। वो रहता ही है। चलो, अब हमें तो दिन प्रतिदिन डालना पड़ता है। देखो अब सरकार करे कुछ, सरकार कुछ करे इसी पर, आप भी हैं। हाँ, कितना महंगा हो गया? ये क्या कह रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल भैया बहुत नीचे करो, थोड़ा पूरा नीचे कर रही है सर, बहुत महंगा हो गया और 100-100 रुपए का तेल डलाना पड़ रहा कारों में। 100 रुपए का तेल डला रहे हैं कार में, आगे 100 रुपए का तेल, कार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 50 का डालेंगे। हाँ सर, बहुत अंतर आ गया। पहले हम 100 रुपए का 1.5 लीटर बढ़ाते थे, 100 रुपए 1 लीटर लीटर आता था। क्या होगा यार, बहुत दिक्कत हो रही है। अब तो गाड़ी चला, घर में बुलेट खड़ी है, बुलेट को ला नहीं रहे डर के मारे। 3 महीने से बुलेट नहीं निकाली तेल के चक्कर से। कि कहाँ पैदल हो जाए। चलो भैया घूमिए आप आराम से। तो ये भैया कह रहे हैं कि हमने बुलेट नहीं निकाली। चलो, लड़कों की मजाक तो चलते रहती है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ इस बीच पर लोगों का रुझान बढ़ा है। जब 3 महीने पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए थे, तब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक रेशियो अच्छा देखने को मिला था। आज हम इलेक्ट्रिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाला समय जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की क्रांति के रूप पर देखा जा रहा है। हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, इलेक्ट्रॉनिक से बने सामान को ज़्यादा वरीयता दी जाए, और उससे कहीं ना कहीं जेब पर खर्च बढ़ेगा भी। और जो ईंधन से, गैस से चलने वाले यंत्र हैं, उनका तो अभी हल्द्वानी में हम कह नहीं सकते कि कहीं पर सुचारू हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। पिछली बार जो एक्साइज ड्यूटी थी, राज्य सरकार ने अपनी घटाई थी, जिससे पेट्रोल के दाम पर 7-8 रुपए का फ़र्क पड़ा था, 90 के आसपास आ गया था 100 से। लेकिन अभी वो कर घटाने के बाद भी दाम लगभग उसी पार जा रहा है जो पहले था। तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के जेब पर जो है हानि पहुंचाएगी, हमारे भी, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कभी बागेश्वर तो कभी पिथौरागढ़। तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए भी थोड़ा सा कठिन होने वाला है, आपके लिए भी थोड़ा कठिन होने वाला है। बस यही एक छोटी सी गुजारिश है, अगर किसी भी प्रकार से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है तो नियंत्रण किए जाने की संभावनाएँ जो है लगातार बनी हैं। मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप घर से निकलें तो संभल के निकलें, थोड़ा बजट बढ़ा के निकलें, क्योंकि ये जो समय है वो डिजिटल के रूप पर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों को भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, जो हमारी जेब पर एक कष्ट दे सकता है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर, आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।